महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। महायुति के सहयोगियों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है और अब ये खटपट खुलकर सामने भी आ गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी के राज्य मंत्री पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से इसे लेकर हलचल तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में टकराव देखने को मिल रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सहयोगियों के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चव्हाण पर आरोप लगाए हैं। रत्नागिरी से शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रामदास कदम ने मुंबई गोवा राजमार्ग की स्थिति को लेकर चव्हाण पर सवाल उठाए और मांग की कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनका इस्तीफा मांगे। हालांकि फडणवीस ने इस मामले पर कहा कि शिवसेना नेताओं को अपने गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ बार बार बयानबाजी करते देखना अच्छा नहीं है। कदम ने आगे कहा, रविंद्र चव्हाण दिखावा करते हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर उनसे जो काम करने की उम्मीद की जाती है वो नहीं कर रहे हैं। मुंबई गोवा हाईवे पर पुलों और सड़कों का निर्माण रुका हुआ है, सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं, कोंकण के लोगों की दुर्दशा खत्म नहीं हुई और वो हमसे पूछते हैं कि हम सरकार में क्या कर रहे हैं। कदम ने कहा, भगवान राम का वनवास तो 14 साल में खत्म हो गया, लेकिन कोंकणी लोगों का वनवास खत्म नहीं हुआ। अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और रविंद्र चव्हाण को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं चव्हाण ने कदम के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें अनपढ़ आदमी कहा, जिसके बाद फडणवीस ने कहा कि कदम को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। फडणवीस ने कहा, हम भी जवाब दे सकते हैं, मैं अब इस मुद्दे पर शिंदे जी से जरूर बात करूंगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।